आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अस्पताल में भर्ती हैं। सीढ़ियों से गिर जाने की वजह से उनके कंधे में चोट आई थी और इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लालू के स्वास्थ्य को देखते हुए राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस पर कोई कार्यक्रम नहीं आयोजित किया जाएगा। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने पिता की हालत को देखकर ट्विटर के जरिए भावुक पोस्ट किए हैं और पिता लालू की तस्वीरें शेयर भी की हैं। इस तस्वीर में लालू प्रसाद यादव हॉस्पिटल के बेड पर हैं और काफ़ी कमज़ोर और बीमार दिखाई दे रहे हैं। फोटो शेयर करते हुए लालू यादव की बेटी रोहिणी ने लिखा कि मेरे पापा मेरे हीरो हैं। इसके साथ ही रोहिणी ने पिता के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव सीढ़ियों से गिर गए थे और उनके दाएं कंधे में भी फ्रैक्चर आ गया था और कमर में भी चोट आई थी। इस वक्त वे पटना के पारस अस्पताल के सर्जिकल आईसीयू में भर्ती हैं। चोट लगने के बाद रविवार को लालू को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद वे वापस घर भी आ गए थे, लेकिन सोमवार सुबह तड़के 3 बजे उनकी हालत गंभीर हो गई थी, जिसके बाद उन्हें आनंद फानंद में पटना के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लालू के अस्पताल में भर्ती होने के साथ ही उनके परिवार में भी मायूसी छाई हुई है। सोमवार को दिनभर उनके दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी पारस अस्पताल में ही रहे। लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का आज 26वां स्थापना दिवस है, लेकिन लालू फिलहाल हॉस्पिटल में ही हैं। इसी वजह से किसी तरह का जश्न नहीं मनाया जाएगा। पार्टी के स्थापना दिवस पर सिर्फ पार्टी की मेंबरशिप अभियान चलाई जा रही है। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इनसे मिलने पहुंचे और नरेंद्र मोदी ने भी इनसे फोन कॉल पर बात की। और पटना में ठीक तरीके से इलाज ना हो पाने की वजह से, साथ ही स्वास्थ्य में गंभीरता आने की वजह से इन्हें दिल्ली लाया जाएगा। न्यूज़ डेस्क, जनहित टाइम्स।